सर्सी लैनिस्टर, ओ सॉरी, क्वीन सर्सी। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक है। टीरियन की माने तो सर्सी में बस दो ही अच्छी बातें हैं, उसके चीक बोन्स और उसका अपने बच्चों के लिए प्यार। You love your children. It's your one redeeming quality, that in your cheekbones. ऐसा लगता है कि सर्सी गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया के सारे विलन्स का निचोड़ है। उसमें जॉफरी की बेवकूफी, रूस बोल्टन की बेवफाई, रामजी की बेरहमी, लिटिल फिंगर की हाजिर जवाबी, योरन ग्रेजॉय की मतलब परस्ती और वॉल्डर फ्रे का झूठा घमंड है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लेखक जॉर्ज आर आर मार्टिन के मुताबिक, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो देखा है पर उसकी किताबें नहीं पढ़ी तो आपको सर्सी अच्छी लग सकती है। आप कहानी में कुछ हद तक उसके लिए रूट कर सकते हैं। आर आर मार्टिन का कहना है, लीना हेडी ने अपनी परफॉर्मेंस से सर्सी को काफी बेहतर बना दिया है। किताबों वाली सर्सी तारीफ या हमदर्दी के लायक नहीं है। People watching the TV show are going to tend to like Cersei more than people who are just reading the books, and that's due to the brilliance of Lena Headey and her wonderful performance as Cersei. बेशक लीना हेडी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, पर सर्सी को इंसानियत के थोड़ा करीब लाने में शोमेकर्स का बड़ा हाथ है। उन्होंने कहानी से ऐसा काफी कुछ हटा लिया है जो सर्सी को अल्टीमेट विलन बनाता है। इनफैक्ट सर्सी के हिस्से ऐसे कई सीन्स आए हैं जो बुक्स में है ही नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 एपिसोड 2 में हमें सर्सी से हमदर्दी होती है। ब्रैन के कोमा में जाने के बाद सर्सी कैटलिन से कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगी। वो कैटलिन को अपनी पहली औलाद के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका और रॉबर्ट का पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया था। बुरा लग रहा है ना सर्सी के लिए, मगर बुक्स में सर्सी ने अपने और रॉबर्ट के बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया था। वो चाहती थी कि उसके बच्चों का बाप सिर्फ जेमी हो। सर्सी को ह्यूमनाइज करने के लिए शो में कई सीन्स जोड़े गए हैं। ये सीन भी इसी कोशिश का हिस्सा है। वैसे इसी एपिसोड में आपको सर्सी के अंदर मौजूद कड़वाहट की भी झलक दिखती है। वो सांसा की बेकसूर डायरवुल्फ लेडी को मरवाने की जिद करती है। वैसे किताबों में सर्सी लेडी की सिर्फ मौत नहीं चाहती, वो इस डायरवुल्फ की खाल अपने कमरे में बिछाना चाहती है। नेड स्टार्क लेडी का एग्जीक्यूशन अपने हाथों इसीलिए करते हैं ताकि सर्सी तक लेडी की खाल ना पहुंच सके। टीवी शो में सर्सी का पहले एपिसोड से ही बड़ा रोल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली 3 किताबों में सर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी चैप्टर नहीं है। इन 3 किताबों में हम सर्सी को सिर्फ दूसरों की नजर से देखते हैं। ऑब्वियसली सांसा, आर्या, नेड स्टार्क या टीरियन की नजर से सर्सी को देखकर उसे नापसंद करना काफी आसान है। लेकिन 4th किताब अ फीस्ट फॉर क्रोज में जब हम पहली बार सर्सी के दिमाग के अंदर पहुंचते हैं, यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर को पढ़ते हैं, तो पता चलता है, ओ लॉर्ड, दिस वुमन हेट्स एवरीवन। किताबों में सर्सी के एंगल से अब तक सिर्फ 12 चैप्टर्स आए हैं, पर इनसे हमें सर्सी की नफरत और कड़वाहट की वजह पता चलती हैं। सीजन 5 में सर्सी के बचपन का एक सीन दिखाया गया है। ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर की ही देन है। इस सीन में जादूगरनी सर्सी को उसके होने वाले पति के बारे में बताती है। ये भी कहती है कि उसके बच्चे एक एक करके मारे जाएंगे। Gold will be their crowns. Gold, their shrouds. पर जादूगरनी ने और भी कुछ कहा था जो टीवी शो में एडिट कर दिया गया। ये सीन अधूरा है। किताबों में जादूगरनी सर्सी को कुछ ऐसा कहती है जिससे उसका अपने छोटे भाई टीरियन पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाता है। जादूगरनी कहती है, जब तुम अपने आंसुओं में डूब जाओगी तब वेलनकार अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट देगा। गेम ऑफ थ्रोन्स की हाई वेलेरियन भाषा में वेलनकार का मतलब होता है छोटा भाई। सर्सी को लगता है इस भविष्यवाणी में टीरियन की बात हो रही है। वो टीरियन से उसके पैदा होने के वक्त से ही नफरत करती रही है। सर्सी टीरियन को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझती है। इस भविष्यवाणी के बाद सर्सी की नफरत को बल मिला। हालांकि सर्सी टेक्निकली जेमी से बड़ी है, पर जेमी पर उसे पूरा भरोसा है।
सर्सी को लगा कि टीरियन उसका कत्ल कर सकता है। इस सीन को पूरा ना दिखाकर हमसे सर्सी के एक और गुनाह को छुपाया गया है। सीन में सर्सी की जिस फ्रेंड को दिखाया जा रहा था उसका नाम था मेलारा हेदरस्पून। वो भी सर्सी की तरह अपना फ्यूचर जानना चाहती थी। वो जादूगरनी से पूछती है, क्या मेरी शादी जेमी लैनिस्टर से होगी? जादूगरनी कहती है, तुम्हारी शादी ना जेमी से होगी ना किसी और से, बल्कि आज रात तुम मारी जाओगी। तुम्हारी मौत बहुत करीब है। किताबों के जरिए ही हमें पता चलता है कि सर्सी ने घर वापस लौटते वक्त मेलारा को एक कुएं में धक्का दे दिया था। सर्सी नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त इस प्रोफेसी के बारे में किसी को भी बताए, मगर वो लगातार सर्सी से इस बारे में बात किए जा रही थी। शायद सर्सी ने गुस्से में आकर या फिर उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मार डाला। किताबों में बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से वक्त के साथ साथ उसका वजन बढ़ जाता है। वो कई इम्पोर्टेंट फैसले नशे की हालत में लेती है। शो में हमें दिखाया गया कि उसने कितनी आसानी से आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस की इज्जत जीत ली। वो लोग अब सर्सी के साथ हैं, मगर किताबों में कहानी कुछ और है। एक्चुअली टाइवन लैनिस्टर के मरने के बाद जब भी आयरन बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किंग्स लैंडिंग आता तो सर्सी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। इन लोगों का दिन ब दिन सर्सी पर से भरोसा उठता जा रहा था। ये बैंक हाउस लैनिस्टर को सपोर्ट करना कब का छोड़ चुका है। टाइविन की मौत के बाद सर्सी स्मॉल काउंसिल से सारे समझदार लोगों को हटा देती है और अपने आसपास सिर्फ चमचों को जगह देती है। ये लोग सर्सी की हाँ में हाँ मिलाते हैं और इस चक्कर में कई बेवकूफाना फैसले होते हैं। वो ऑरन वाटर्स नाम के एक शख्स को रॉयल फ्लीट बनाने की जिम्मेदारी देती है। सर्सी को समझाया जाता है कि वो गलत लोगों पर भरोसा कर रही है, मगर वो किसी की नहीं सुनती। रॉयल फ्लीट तैयार तो हो जाती है, मगर ऑरन वाटर्स सारे के सारे जहाजों को लेकर लापता हो जाते हैं। अगर आपने अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताबें पढ़ी हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि सर्सी किस तरह से दिन ब दिन खुद रॉबर्ट बराथियन में बदलती जा रही थी। रॉबर्ट की जिस आदत से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वो था उसका हमेशा नशे में होना। किताबों के जरिए हमें पता चलता है कि कई बार उसने सर्सी को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। वो उस पर हाथ उठाता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था। सर्सी भी ऐसा ही करने लगती है। सर्सी का टियाना मेरीवेदर नाम की एक लेडी से अफेयर शुरू होता है और बिस्तर में वो टियाना के साथ वायलेंस करती है। वो सोचती है टियाना फ्यूचर में उसके काम आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। जब सर्सी हाई स्पैरो के कब्जे में होती है तो टियाना मेरीवेदर किंग्स लैंडिंग छोड़कर चली जाती हैं। सर्सी ने अपने आसपास स्मॉल काउंसिल में जितने भी चापलूस बिठाए थे उनमें से कोई भी सर्सी का साथ नहीं देता। किताबों में वो टीरियन के सपोर्टर ब्रॉन को मारने की साजिश रचती है। इस काम के लिए वो सर बैलमन ब्रिज को चुनती है। बैलमन इतना बड़ा बेवकूफ होता है कि ब्रॉन को लड़ाई के लिए सीधा सीधा चैलेंज कर देता है। जब लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली ब्रॉन बैलमन का काम आसानी से खत्म कर देता है। I've never been with any woman but Cersei. So in my own way, I have more honor than poor old dead Ned. हम जेमी और सर्सी के रिश्ते को कितना भी नीची नजरों से देखें, पर एक बात तो मानने वाली है। जेमी सर्सी के लिए बिल्कुल ईमानदार है। उसने सर्सी के अलावा किसी और लड़की से कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। शो में हमें दिखाया गया है कि सर्सी ने अपने कजन लांसल लैनिस्टर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और अपने पति किंग रॉबर्ट बराथियन को मारने में उसका इस्तेमाल किया। बुक्स में सर्सी के और भी लोगों से नाजायज संबंध हैं। सर ऑसमंड कैटल ब्लैक किंग टॉमन के किंग्स गार्ड हैं। साथ ही उनके दो भाई ऑस्फ्री और ऑजनी भी सर्सी के बेड पार्टनर बन जाते हैं। Tears aren't a woman's only weapon. The best one's between your legs. Learn how to use it. आपको याद होगा कि सर्सी ने सांसा को बैटल ऑफ ब्लैक वाटर के वक्त एक सलाह दी थी। उसने कहा था, अपनी बॉडी का यूज करना सीखो। सर्सी लोगों की वफादारी पाने के लिए अक्सर सेक्सुअल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करती है।
उसने केटल ब्लैक ब्रदर्स को भी मार्जरी के खिलाफ यूज किया। कब हुआ ये सब बताती हूँ। आपको याद होगा कि सर्सी ने लॉरेंस और मार्जरी टायरेल को फंसाया था और उन्हें सलाखों के पीछे डलवा दिया था, मगर किताबों में ऐसा नहीं होता। लॉरेंस टायरेल तो इस वक्त किंग्स लैंडिंग में होते भी नहीं, बल्कि वो मार्जरी पे झूठा इल्जाम लगवाती है। सर्सी के कहने पर ऑज़नी केटल ब्लैक हाई स्पैरो के पास जाता है और कहता है कि उसका मार्जरी के साथ अफेयर है। वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है। ऑज़नी के अलावा सर्सी ऐसे कई लोगों को हाई स्पैरो के पास भेजती है जो खुद का मार्जरी के साथ अफेयर होने की गवाही देते हैं। ये बात और है कि हाई स्पैरो को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो ऑज़नी को टॉर्चर करते हैं और ऑज़नी सारा सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि असल में उसका अफेयर मार्जरी के साथ नहीं, सर्सी के साथ है। इसके बाद ही सर्सी हाई स्पैरो के कब्जे में आती है। अब तक अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की जितनी किताबें आई हैं उसके हिसाब से सर्सी की कहानी अभी हाई स्पैरो के हाथों में है। वो हाई स्पैरो के कब्जे से निकल तो चुकी है, वो शेम वॉक भी पूरी कर चुकी है, वापस कैसल में आ गई है, उसके सिरहाने माउंटेन खड़ा है, मगर ट्रायल होना अभी बाकी है। एक बात और, सर्सी जब फेथ मिलिटेंट्स के कब्जे में होती है और जेल में बंद होती है, तब वो जेमी लैनिस्टर को एक लेटर लिखती है। वो उसे कहती है, फौरन वापस आ जाओ, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे बचा लो। वो आगे लिखती है कि मुझे जितनी ज़रूरत तुम्हारी आज है उतनी कभी नहीं थी, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, प्लीज़ फौरन आ जाओ। जेमी इस लेटर को पढ़ता है और फिर जला देता है। वो सर्सी की मदद के लिए किंग्स लैंडिंग वापस नहीं आता। सर्सी की कहानी में आगे क्या हुआ, जब किताबें आएंगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए वॉच रोज, बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है, चाहे तो फेसबुक पे भी बांट सकते हैं, ट्विटर भी, किस लिए है भाई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। एक बात और, मेरा एक और चैनल है वॉच रोज वीलॉग्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऊपर लिंक मौजूद है वहाँ से आप जा सकते हैं मेरे नए चैनल पर, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी जो भी बातें हैं, जो भी आपको महसूस होता है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। टाटा।